क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर खोल रहा हूँ। ट्रांसफार्मर खोल रहा है, सीख गया खोलने के लिए। इधर तो देख ये देखिए मुखिया जी, मुखिया जी ये कॉइल वो बन जाएगा आज? बनेगा सर। है आपके आशीर्वाद से जरूर बनेगा। अच्छा, इतना मेहनत किया तो नहीं बनेगा अब बन जाएगा? बिल्कुल सर। वो डॉक्टर साहब बन जाएगा, कॉइल बन जाएगा ना आज? ये ट्रांसफार्मर बन जाएगा ना आज? अच्छा बोल, क्या बोलते हैं, बन जाएगा ना? हाँ आज ही बन जाएगा। अच्छा बन जाएगा। अच्छा ऐसे ही खोलना है और ऐसे ही डालना है जैसे अभी निकाल रहा है ये, एक तरफ से ई को इस तरफ राइट साइड, इस तरफ लेफ्ट साइड, ऐसे ही डालना है। जैसे निकल रहा है वैसे डालना है। जैसे डाल रहा है वैसे ही निकालना है। बस निकालो, बस देखो चल गया ना। अब तुम इसे अगर वाइंडिंग करना चाहता है तो इसको पहले तुम्हें तार की गेज और इसकी टर्न आपको गिनती करके खोल के देखना होगा और उसके बाद तुम इसको भी वाइंडिंग कर सकता है। और अगर तुम्हें डाटा बनाकर सीखना है कि इसको डाटा मुझे बना कर दीजिए, तो उसके लिए बाद में हम बताएंगे कैसे कर। अभी इसके कॉयल जो है हम चेंज कर रहे हैं किसी ट्रांसफार्मर की जो ख़राब हो गया था, तो इसके सारे जो ई आई जितने भी पत्ती थी इसको हमने निकाल दिए। अब इसके अंदर में डालना है, तो आपको पहले क्लियर करना है कि ये कितने इंची के थे, मतलब 3 इंची है या 3.5 इंची है या 4 इंची है, जितने भी इंच के हैं उतने इंच का कॉयल लेना है। और उस कॉयल में जैसे हमने निकाले थे, निकालते समय हमने आपको वीडियो में दिखाया हूँ, देखिए अच्छी तरह से, उसी तरह से इसे भी लगाना है। तो आपको ये दो दो करके लगानी है, अगर एक करके लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन दो करके लगाएंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं अभी आगे करके दिखाऊंगा। तो अभी हम इसको दो करके लगा रहे हैं, ये देखिए दो लगा दिए है ना। और शुरू में हो सकता है एक भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि पत्ती लास्ट वाली जो है ना एक रखिए, ताकि आपको जो लास्ट में जो फिटिंग करते समय सिर्फ आई एक ही लगाना पड़े। तो देखिए दो मैंने लगाया, इसके बाद फिर इधर से लगाएंगे दो, फिर इधर से लगाएंगे दो, ठीक है इस तरह से लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि इधर जो आई डाल रहा हूं एक अंदर चला गया और एक ऊपर आ गया, तो उससे क्या होगा बाद में आपको दोबारा निकाल के फिर से बराबर करना पड़ेगा, मतलब जो ऊपर ऊपर का होना चाहिए नीचे नीचे का होना चाहिए। और बाद में इसको जो हम जो लगा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि दो दो लगाने से फ़ायदा क्या होगा, दो दो लगाने से क्या होगा, जिस समय फुल फिटिंग कर देंगे इसको उसके बाद और अगर 2-4 पीस बच गया और इसमें ढीला है, लेकिन आपको दिख तो रहा टाइट लेकिन ढीला है, तो उसके लिए बचा हुआ पीस को दोबारा कैसे डालेंगे। तो इसके लिए जो दो दो पीस हमने डाले थे तो उन दोनों में उसके जो गैप है इसको पकड़ेंगे, या तो चिमटी से पकड़ेंगे या पेचकस से पकड़ेंगे, उसको पकड़ने के बाद इसको उसी हिसाब से इसमें डालेंगे और फिर बराबर बराबर से इसको धकेल देंगे। ये देखिए अगर ऐसा दो दो नहीं डालेंगे तो सिंगल में देखिए ये गलत बैठ गया इसलिए नहीं जा रहा। ये देखिए एक अलग साइड चला गया और ये अलग साइड चला गया, तो इसलिए ये नहीं जा रहा, दोनों बराबर में जाना चाहिए था तब होता। तो इसको हम फिर से निकाल लिए और मान लीजिए ये है दो डला हुआ, तो इस दो में फिर से मुझे एक डालना है या दो डालना है, क्लियर करिए। ऐसे करके डाल दिए, बराबर बराबर है और फिर
इस तरह से, तो ये दो डालने से ये फायदा होता है, लास्ट में टाइट करते समय दिक्कत नहीं आती। और कोई बात नहीं, आप सिंगल भी डाल सकते हैं, लेकिन दो डालने से फायदा होता है, इसलिए बाद में सेटिंग करते समय दिक्कत नहीं आती। तो चलो करो इसको जल्दी जल्दी करो। ये मैंने इनको सिखाना था कि कॉइल वाइंडिंग कॉइल चेंज कैसे होगा, तो इसीलिए मैं बाहर से चार्जर मंगवाया और उसके लिए इन सबको चेंज करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये अब इनके बाद इसका काम है, फिटिंग करेगा पूरा। चलो करो, ठीक है? ओके, तो मुझे दिखाओ। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना हो, जैसे ई रिक्शा, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, एलईडी टीवी, इन्वर्टर या फिर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, ये सारे चीज़ हम लिथियम बैटरी असेंबल भी कर सकते हैं, ये सारे चीज़ मैंने कोर्स कराता हूँ। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ को सीखना हो तो मुझे अपने कॉल मिस कॉल कीजिए, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कॉल करूँगा, जब खाली रहूँगा तो जब मैं ज़रूर करूँगा। अगर आप डायरेक्ट कॉल करते हैं तो करिए, अगर मैं खाली हूँ उठा लिए तो ठीक है, बाद में ज़रूर मैं कॉल करूँगा। अगर आपको ख़रीदना है कॉयल या कोई और कंपोनेंट्स ख़रीदना है तो हर एक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं मैं रखता हूँ, चाहे वो एलईडी टीवी का हो या फिर इन्वर्टर का हो या फिर चार्जर का हो, एग्जूम चार्जर, यूटीएल चार्जर, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर चार्जर, लॉजिक कार्ड, ये सब कुछ रखता हूँ। और दोस्तों मैं बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी आइटम के बारे में जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो एक्सपीरियंस है 1996 से है, और कोई और जो कोर्स कराता है उसकी एक्सपीरियंस साल दो साल की है, और मेरी जो है 20 से 25 साल की एक्सपीरियंस है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे तो तुरंत सीख जाऊँगा और वो बड़ा मैकेनिक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगी आप सही मैकेनिक नहीं हो सकती। तो एक्सपीरियंस किसकी कितना है ये सोच कर कोर्स करें। हमारी एक्सपीरियंस है 1996, जो ऊपर में आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये मेरा सर्टिफिकेट का एडमिट कार्ड है जिससे मैं कोर्स करता था। और सर्टिफिकेट देखना है तो मुझे मेरी एक्सपीरियंस जो है कोर्स में यूट्यूब में चाहिए, और मेरी एक्सपीरियंस लिखिए, वहाँ से मेरी एक्सपीरियंस सब आपको दिखेगी। थैंक यू दोस्तों। जो तुमने दो दो करके डाला है ना, जी, इन्हीं में से किसी में डालना है, ठीक है? और इनमें से जो दो दो का होगा, मान लीजिए हम इसको हम ले लिए है ना, क्या किया? हाँ, ले लिए ये इसको इसमें ले लीजिए, रुको रुको यहाँ से, है ना, अंदर उसमें जा रहा है, एकदम बराबर देखना है, हो गया बराबर, है ना? अलग तो नहीं किया ना किसी ने, उसी में किया ना, हाँ इधर उसी में जा रहा है ना, बराबर करके। अगर बराबर नहीं रहेगा तो जो जो तुमने बचाया था ना, वो उसका जो पीवीसी है वो उसमें खरोच लग जाएगा, एकदम बराबर से जा रहा है। हाँ इधर उधर नहीं मारना है, इधर उधर मारेगा तो वो फिर वहाँ पे वही चीज़ होगा जो अगर ऐसा किया होगा तो फिर खराब हो जाएगा, इसलिए दोबारा मुझे खोलना पड़ेगा अभी बता रहा हूँ। अब देखो ये ज़्यादा ज़्यादा जोर से मारने से ना ये इससे हो गया, टेढ़ा हो गया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इतना ही मारना है। ठीक है, बराबर से। और ये आप रखिए कितने, दो पीस, ये तीन पीस, ये तीन पीस, ये चार पीस है, चार पीस। समझ में आ गया ना? और सबको अरे बोलोगे तभी तो है।
ये देखो वो भाग गया, वो कैमरा में आना नहीं चाहता है। वो नहीं सर आ गया, मैं कटिंग चल कटिंग कर लेंगे उसको, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये फिटिंग मैंने कर चुका हूँ और ये चीज़ जो है देखिए पूरी तरह से फिटिंग हो गई। अब इसमें जो जगह बच गई है, इसमें जो गैप दिख रही है, इन सब में आई लगेगी। ठीक है, वो कैसे डालेंगे? तो ये पकड़िए कैमरा पकड़िए। अब इसमें देखना है, ओए क्या बोलते हैं, अरे सुनो ओए बाबू क्या नाम है इसका, तो ये देख लो, ये दो पीस है ना, तो इसमें दो ही डालना है ना, लेकिन ऐसे रखना है ताकि क्या है कि मान लो तुम एक बाहर ज़्यादा निकाल दिया, अब इसको ठोक दिया तो अब इधर से ठोकना पड़ेगा तो टेढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे जो ऐसे रहेगा तो ये ठीक रहेगा। अब ये डाल दिया दो, ठीक है, अब मुझे दिख रहा है ये वाला खाली, इसमें भी दो ही का था, दो डाल दिया। ठीक है, हाथ से नहीं करना, कट भी सकता है नहीं, हाँ कट जाएगा और कटना ही कटना है, ऐसे कर लो, फिर और डाल लो। ठीक है, कितना पीस यहाँ पे है भाई, ये ज़्यादा लग रहा है, तो जितना होगा मान लो उसमें तीन है तो तीन डालना है, ये कितना पीस लग रहा है, दो ही है, दो ही लास्ट में हो गया। हाँ तो ये दो है। ठीक है, गिनती से करेंगे बराबर है, ये कितना है इसके बगल वाला, ये भी दो है ना, ये भी दो ही है। ठीक है, ये कितना है, ये वाला भी दो ही है ना, दो ही है। ऐसे करके, हाँ ऐसे करके थोड़ा सा ये देखो, ये इस तरह से लगाएंगे, तो अभी और भरते हम, और भरते, तो भरने के बाद ये ऐसे करके बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मारेंगे, हो सकता किसी के बॉडी पे चढ़ा हो तो उसमें दिक्कत होगी, तो आपको यहीं से किनारा लेना है, अपने आप चला जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती किसी पे करना ही नहीं है, ऐसे करके डालो। चलो तुमने उल्टा से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो कंप्लीट हो गया ना है?